हेलो फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम में हम किस तरीके से अपना अकाउंट नंबर, अपना किसी को हम अगर पेमेंट करते हैं तो उसका अकाउंट नंबर हम किस तरीके से ऐड करें, जिस अकाउंट नंबर को हम बोलते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट, या पेटीएम में कोई जैसे मोबाइल नंबर हम किस तरीके से वॉलेट में ऐड करें। फ्रेंड, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में नेट का चालू कर लीजिए और पेटीएम ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड, और एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में पेटीएम को ऑन कर लीजिए। फ्रेंड, पेटीएम को ऑन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए 3 लाइन का ऑप्शन है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है आपको। नीचे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर सेटिंग करके है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर मैनेज, यहाँ पर पेमेंट सेटिंग में देखिए सेव पेमेंट है, ऑटोमेटिक पेमेंट है, और लिंक्ड ऐप सब्सक्रिप्शन है, पेमेंट असिस्टेंट है, मैनेज बेनिफिशियरी। फ्रेंड, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, मैनेज बेनिफिशियरी है। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा इंटरफेस। देखिए, यहाँ पर कई सारे बैंक अकाउंट नंबर वगैरह है। तो फ्रेंड, आपको अगर अकाउंट नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में बैंक अकाउंट की ऑप्शन है और राइट साइड में पेमेंट वॉलेट की ऑप्शन है। अगर आपको अकाउंट नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में आपको क्लिक करना है। नीचे अकाउंट नंबर पर आपको यहाँ पर फ्रेंड अकाउंट नंबर डालना है जिसको आप पैसा भेजना चाहते हो, उस अकाउंट को बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं। अगर खुद का आपका अकाउंट है उसको रेमिटर अकाउंट बोलते हैं। दोनों डिफरेंस यही है, जिस अकाउंट में डेबिट होना है फंड उसको रेमिटर बोलते हैं, जिसमें क्रेडिट होना है फंड उसको बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं, और जिसको फंड हम भेज रहे हैं वो होता है बेनिफिशियरी और अपना अकाउंट होता है रेमिटर अकाउंट। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है क्योंकि आपको जिस अकाउंट में भेजना है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे देखिए फ्रेंड, अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, आपको यहाँ पर उस अकाउंट होल्डर का नाम डालना है और उस बैंक का जो IFSC कोड होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड होता है फ्रेंड, ये आपको यहाँ पर डालना है। IFSC कोड उसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको उसको डालना है। उसके बाद आपको फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन देखिए ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको जिसको पैसा भेजना है अगर उसका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप पेटीएम के थ्रू पेटीएम वॉलेट में भी फंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका पेटीएम वॉलेट अगर आपको ऐड करना है, उसका मोबाइल नंबर ऐड करना है तो पेटीएम वॉलेट पे टिक करके क्लिक करके आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए ऐड बेनिफिशियरी करके आ रहा है, अब उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इसमें आराम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको बार बार उस अकाउंट नंबर को फीड करने की या टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, बेनिफिशियरी एक बार ऐड हो जाने के बाद आप इसमें आराम से कोई भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर कर देना और लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।